बुलंदशहर में ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में ड्राइवर की मौत की खबर मिल रही है। पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर को हिरासत में लिया है। बुलंदशहर से एक्सीडेंट की खबर, ट्रैक्टर और कार की जोरदार टक्कर, हादसे में कार ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। अंदाजा लगाया जा सकता है टक्कर भीषण और कार की जो कंडीशन दिखाई दे रही है इस एक्सीडेंट में, कार ड्राइवर के मौत की खबर है। दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर किसान दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचे हैं। दिल्ली में देश भर के किसानों की रैली की खबर मिल रही है। रैली में करीब 50,000 किसानों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। किसानों की मांग है कि कृषि उपज के बदले उपयुक्त मूल्य का भुगतान किया जाए, किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाई जाए, फसलों की MSP बढ़ाई जाए। भारतीय किसान संघ आज दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन का मुख्य कारण है उनकी चार मांगे। पहली मांगे है कि सरकार MSP को बढ़ाए, दूसरी मांग है कि जितने भी कृषि उपकरण है उसमें से GST हटाई जाए, और तीसरी जो मांग है कि जो किसान सम्मान निधि आती है उसकी जो रुपए है 2,000 रुपए उसको बढ़ा के और ज्यादा किया जाए। इसके साथ साथ अगर बात करें तो चौथी मांग जो है GM फसलों को अनुमति वापस ली जाए, और इसी मांग को लेकर के दिल्ली के रामलीला में प्रदर्शन हो रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि देश भर से हजारों किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे हैं, और यहाँ पे अगर बात करें तो देश भर के तमाम सारे किसान प्रतिनिधि भी आए हुए हैं। चूंकि भारतीय किसान संघ RSS का अनुसांगिक संगठन है और यहाँ पे आज प्रदर्शन कर रहा है। इनकी जो मांग है ये चार प्रमुख मांगों को लेकर के इन्होंने देश भर के विधायकों को सांसदों को खत भी लिखा था, जब इनकी मांग नहीं मानी गई तो आज यहाँ पे ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो इनका ये भी कहना है कि अगर सरकार इनकी बात नहीं मांगती है तो लगातार इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। खासतौर से इनकी जो चार प्रमुख मांगे हैं जिनमें अगर बात करें तो किसान सम्मान निधि में पर्याप्त बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से कृषि उपज में लागत बढ़ रही है, इसी को मांग को लेकर किसान सम्मान निधि की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ MSP को भी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जो किसानों की लागत है वो पूरी नहीं हो पा रही है, और अगर बात की जाए तो इसके अलावा जो मांग है वो है कि जितने भी कृषि उपकरण है, चाहे वो ट्रैक्टर हो, ट्रॉली हो, या फिर अन्य प्रकार के कृषि उपकरण है, हल है, इन तमाम तरह कृषि उपकरणों से GST हटाई जाए। और जो आखिरी मांग है वो ये है कि GM फसलों की अनुमति वापस ली जाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि देश भर के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे किसान पहुंचे हैं, और मंच से लगातार जो किसान प्रतिनिधि हैं वो अपने भाषण दे रहे हैं और अपनी ओर से बातें रख रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार को भी ज्ञापन सौंपा गया, अब देखना है कि इनकी बात को किस तरीके से केंद्र सरकार आगे लेती है। सुनील कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।